नायक विद्यापीठ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीज दिग्विजय सिंह जी और खिलाड़ी साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब इस प्रकार के किसी आयोजन का उद्घाटन करने का मुझे अवसर मिलता है। और विशेष रूप से मुझे प्रसन्नता है कि जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ के अंदर चौधरी देवीलाल के नाम के साथ जुड़े हुए उन खेलों को प्रोत्साहित करने का हमें एक अवसर मिला है। चौधरी देवीलाल जी न सिर्फ राजनीति के खिलाड़ी थे बल्कि मैदान के भी खिलाड़ी थे और उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान खेलों को बहुत बढ़ावा दिया और यही एक वजह है कि चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी आज उसी प्रकार से खेलों में ख्याति प्राप्ति नहीं कर रही है बल्कि मुझे खुशी है कि दिग्विजय सिंह आज हरियाणा प्रदेश के क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ियों में से एक है। इसका नाम गिनती के खिलाड़ियों में आता है और मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता ये इस बात की है कि आज शिक्षा दिवस भी, इसकी भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि अब रोजे शुरू हो चुके हैं, आज तीसरा रोजा। हमारा ये देश धर्म निरपेक्ष देश है, एक सेकुलर देश है। इस देश में हर धर्म और मजहब के मानने वाले लोग हमारे सभी तीज त्योहारों को बड़े जोश हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, बड़े सुखद और स्वादपूर्ण वातावरण में मनाते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि रोजा के अवसर पर आज पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाड़ी भी आए हुए हैं और यूएई के खिलाड़ी भी आए हुए हैं और अमेरिका अपने लंका के खिलाड़ी भी आए हुए हैं और भारतवर्ष के खिलाड़ी तो है ही। मुझे इस बात का गौरव है कि सरसा मेरा गृह जिला है और मेजबानी के फराइज सर अंजाम देने का भी मुझे एक अवसर मिला। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि सरसा निवासी इन खिलाड़ियों की देखभाल में किसी प्रकार की कोई कमी ना रखें। मैं खिलाड़ी दोस्तों से विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि एक सुखद और स्वादपूर्ण वातावरण में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, अपने खेल के माध्यम से नई पीढ़ी के लोगों को प्रोत्साहित करें। हमारे यहाँ की एक रिवाज भी है, जो जीतता है उसे तो इनामात दिए भी जाते हैं लेकिन जो हारता है उसके भी हौसला अफजाई के लिए उसे इनामात दिए जाते हैं ताकि वो हार को महसूस ना करके अगली दफा विजयश्री प्राप्त करने में एक हौसले से लड़ाई लड़ सके। इसलिए मुझे खुशी होगी कि हार और जीत को ध्यान में ना रख करके नायक विद्यापीठ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीज दिग्विजय सिंह जी और खिलाड़ी साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब इस प्रकार के किसी आयोजन का उद्घाटन करने का मुझे अवसर मिलता है। और विशेष रूप से मुझे प्रसन्नता है कि जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ के अंदर चौधरी देवीलाल के नाम के साथ जुड़े हुए उन खेलों को प्रोत्साहित करने का हमें एक अवसर मिला है। चौधरी देवीलाल जी न सिर्फ राजनीति के खिलाड़ी थे बल्कि मैदान के भी खिलाड़ी थे और उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान खेलों को बहुत बढ़ावा दिया और यही एक वजह है कि चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी आज उसी प्रकार से खेलों में ख्याति प्राप्ति नहीं कर रही है बल्कि मुझे खुशी है कि दिग्विजय सिंह आज हरियाणा प्रदेश के क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ियों में से एक है। इसका नाम गिनती के खिलाड़ियों में आता है और मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता ये इस बात की है कि आज शिक्षा दिवस भी, इसकी भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि अब रोजे शुरू हो चुके हैं, आज तीसरा रोजा। हमारा ये देश धर्म निरपेक्ष देश है, एक सेकुलर देश है। इस देश में हर धर्म और मजहब के मानने वाले लोग हमारे सभी तीज त्योहारों को बड़े जोश हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, बड़े सुखद और स्वादपूर्ण वातावरण में मनाते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि रोजा के अवसर पर
आज पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाड़ी भी आए हुए हैं और यूएई के खिलाड़ी भी आए हुए हैं और अमेरिका अपने लंका के खिलाड़ी भी आए हुए हैं और भारतवर्ष के खिलाड़ी तो है ही। मुझे इस बात का गौरव है कि सरसा मेरा गृह जिला है और मेजबानी के फ्राइज सर अंजाम देने का भी मुझे एक अवसर मिला है। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि सरसा निवासी इन खिलाड़ियों की देखभाल में किसी प्रकार की कोई कमी ना रखें। मैं खिलाड़ी दोस्तों से विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि एक सुखद और स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, अपने खेल के माध्यम से नई पीढ़ी के लोगों को प्रोत्साहित करें। हमारे यहाँ की एक रिवाज भी है, जो जीतता है उसे तो इनाम दिए भी जाते हैं लेकिन जो हारता है उसके भी हौसला अफजाई के लिए उसे इनाम दिए जाते हैं ताकि वो हार को महसूस ना करके अगली दफा विजयश्री प्राप्त करने में एक हौसले से लड़ाई लड़ सके। इसलिए मुझे खुशी होगी कि हार और जीत को ध्यान में ना रख करके